ब्लैक स्प्लेंडर प्लम स्प्राउट होने के कगार पे बिल्कुल निकल रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसकी ग्राफ्टिंग करना इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम ये नॉर्मल शुल्ली का पेड़ है इसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। मैं ग्राफ्टिंग में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक टूल मैं लेके आया हूँ। इस टूल से विप एंड टंग ग्राफ्टिंग करना काफ़ी आसान है। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे इसको हल्का सा इस तरीके से फंसाना है और ये ऑटोमेटिकली इसको एक एंगल पे छील देता है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल ही नौसीखे हो और कभी आपने ग्राफ्टिंग नहीं की है बिल्कुल मेरी तरह, तो आप इस टूल के इस्तेमाल से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपको ये स्टॉक के ऊपर कट लगाना है, बहुत ही आसान है। इसको इस एंगल पे रखना है और एक ही कट में ये बिल्कुल आपको साफ घाव लगा देगा, ठीक है। फिर आप एक चाकू की मदद से इसको नॉर्मली ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, और इसकी जो टिप है उसको ऐसे कट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन काम जिसमें हम नौसिखिए बिल्कुल चूक जाते हैं, सायन को भी इसमें इसी एंगल के ऊपर आप फंसाओगे, ठीक है। एक ही कट में बिल्कुल साफ, और यहाँ से इसको, और आप देख सकते हो कि कितना आसान हो गया है मेरे जैसे पहली बार करने वाले लोगों के लिए भी। बहुत इजीली मेरी जो ग्राफ्टिंग की जो कैम्बियम है इसको मैं बिल्कुल आपस में बराबर से मिला पा रहा हूँ, और अभी तक कोई भी कलम जो है फेल नहीं हुई है जितनी भी मैंने की है इस टूल की सहायता से। अदरवाइज़ मुझे सबसे पहले तो ये जो साइन बनाना है सबसे डिफ़िकल्ट काम यही लगता था, जिसकी वजह से मुझे ग्राफ्टिंग आती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। और अभी मैं बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह ग्राफ्टिंग कर पा रहा हूँ। इसको आराम से सीधा काट दें, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ये टूल इस एंगल पर आप लगा के ये एकदम बिल्कुल एक ही कट में बिल्कुल साफ घाव लग जाता है। उसके बाद आपको सायन लेना है, ठीक है। ये सायन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का आप लेके तो एक ही बार में बिल्कुल साफ घाव लेकिन इसके ऊपर कट लगाने के लिए ये टूल इतना अच्छा नहीं है। वैसे लग जाता है यहाँ से इसको ऐसे फंसा के, तो मैं एक नाइफ का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से इसको कट कर दीजिए और बहुत ही सिंपल वे में आपको कैम्बियम लेयर को आपस में मैच करवाना है, ये ठीक है। ये कैम्बियम मैच हो गई, ये नेक पे थोड़ा सा टाइट करने को बोला जाता है, और इसको नीचे की तरफ ऐसे ले जाते हुए यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली